10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजन किया गया। इस दौरान योगा कार्यक्रम में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ग्रीन दुर्ग अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ कर स्टेडियम परिसर में मॉल ट्री और बादाम का पौधारोपण किया। साथ ही डोर टू डोर निःशुल्क पौधारोपण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित 10वें योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री शर्मा के साथ विधायक गजेंद्र यादव भी योगाभ्यास में शामिल हुए। भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया ने 172 देशों ने मान्यता दे करके विश्व योग दिवस बनाया था, और इस मान्यता के बाद आज हम वो हम सबको भली भांति हम सब उससे परिचित हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ उस पूरे प्रशासन का, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय विधायक महोदय का, हृदय से आभार। इस दौरान दुर्ग के स्टेडियम में योग करने वाली की भीड़ नजर आई। साथ ही पतंजलि योगपीठ के जयंत भारती और पंकज शर्मा के मार्गदर्शन में मुख्य अतिथि विजय शर्मा, विधायक गजेंद्र यादव, संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, आईजी आरजी गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एसपी जितेंद्र शुक्ला, नगर के गणमान्य नागरिक, समस्त विभाग के अधिकारीगण, नगर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने योग के विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। पहले दाहिने हाथ को ऊपर ले, आहिस्ते आहिस्ते इस प्रकार से मेरे साथ तालमेल रखिए, राइट हैंड को पीछे की तरफ ले, अब बाया हाथ पहले ऊपर लेंगे। पुनः एक बार इस मौके पर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नगरवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 21 जून को वह दिवस है। इस दिन भारतीय संस्कृति की पहल को पूरी दुनिया में अंगीकार किया। उन्होंने कहा कि ये परंपरा प्रतिवर्ष आगे बढ़ती रहेगी। वह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि जीवन में योग का बहुत महत्व है। योग ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे शारीरिक बौद्धिक विकास संभव है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री शर्मा ने वृक्षारोपण कर ग्रीन दुर्ग अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने स्टेडियम परिसर में मौलश्री और बादाम का पौधारोपण किया। इसी कड़ी में उन्होंने डोर टू डोर निःशुल्क पौधारोपण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के बीच अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। बहुत ही शानदार आयोजन रहा भाई, बहुत ही शानदार। पूरे स्टेडियम में इतनी बारिश और इतनी परेशानियों के बाद भी सभी लोगों ने मिलकर, पतंजलि योग समिति के लोग, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे भाजपा के जिला के अध्यक्ष जी, समूचा प्रशासन, सबने मिलकर बहुत बढ़िया व्यवस्था की। बहुत अच्छा योगाभ्यास का आज का दिन रहा। 21 जून वो दिन है जब पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है और भारत के योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। पिछली सरकार में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वृक्षारोपण किया जाता है तो वो फलीभूत हो, आगे बढ़े, सबका भाव ऐसा होना चाहिए। जो भी है आप लोग और ध्यान दिलाएं, जो जैसा बात होगा वो आगे बढ़ाया जाएगा। इतने आपने ध्यान दिलाया है, इस पे बात करते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।